जीके क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं जीके क्लासेस में आपको अक्टूबर मंथ से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में बताने वाली हूँ, तो वीडियो के एंड तक बने रहे। आपका पहला क्वेश्चन है, गंगा अवलोकन क्या है जो हाल ही में खबरों में देखा गया था? अभियान, संग्रहालय, स्मारक स्टंप, चैनल। इसका उत्तर है संग्रहालय। गंगा अवलोकन एक संग्रहालय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमामि गंगे मिशन के तहत उत्तराखंड में 6 मेगा विकास परियोजना का उद्घाटन किया था। हरिद्वार में गंगा नदी पर गंगा अवलोकन नामक अपनी तरह के पहले संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री जी ने जल जीवन मिशन के लिए रोंगिन ड्राउन द गंगा नामक एक पुस्तक और एक नया लोगो भी जारी किया है। आपका दूसरा क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ अनाउंस्ड ग्रीन स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप स्थापित करने की घोषणा की है? फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, फ्रांस। इसका उत्तर है डेनमार्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डेनमार्क के अपने समकक्ष मेटे फ्रेडरिकसेन के साथ पहले आभासी शिखर सम्मेलन में भाग लिया। संयुक्त बयान के अनुसार नई ग्रीन रणनीतिक साझेदारी राजनीतिक ऊर्जा, पर्यावरण और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के लिए मौजूदा संयुक्त आयोग पर आधारित होगी। तीसरा क्वेश्चन, किस देश ने 150 मिलियन रैपिड COVID-19 परीक्षण किट वितरित करने की योजना की घोषणा की है? यूके, यूएसए, भारत, फ्रांस। इसका उत्तर है यूएसए। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आने वाले हफ्तों में 150 मिलियन 15 मिनट तेजी से COVID-19 परीक्षण किट वितरित करने की अपनी योजना की घोषणा की है। इसमें 50 मिलियन टेस्ट किट का उपयोग देश के अधिकांश कमजोर समुदायों के लिए किया जाएगा, जैसे कि नर्सिंग होम, सहायक रहने की सुविधा इत्यादि। चौथा क्वेश्चन, गवि के सहयोग से भारत का सीरम संस्थान और किस संगठन ने COVID-19 वैक्सीन की 100 मिलियन अतिरिक्त खुराक का उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है? UNDP, WHO, यूनिसेफ, बिल एंड मेडिला गेट्स फाउंडेशन। इसका उत्तर है बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। COVID-19 वैक्सीन के अतिरिक्त 100 मिलियन खुराक का उत्पादन करने के लिए गैवी, कोवैक्स और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ साझेदारी की है। वर्तमान में टीके का परीक्षण SII द्वारा किया जा रहा है। अतिरिक्त उत्पादन भारत सहित 61 निम्न और मध्य आय वाले देशों में लक्षित है। पांचवा क्वेश्चन, वर्तमान एक्सप्रेस नेटवर्क पर अपने प्रीमियम उत्पादनों की पेशकश के लिए किस बैंकिंग कंपनी ने अमेरिकन एक्सप्रेस के साथ भागीदारी की है? SBI कार्ड, ICICI, इंडियन बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इसका उत्तर है SBI। SBI कार्ड और अमेरिकन एक्सप्रेस ने रणनीतिक साझेदारी की है। यह साझेदारी SBI कार्ड के प्रीमियम उत्पादों CBI कार्ड Elite और CBI कार्ड प्राइम को अमेरिकन एक्सप्रेस वैश्विक नेटवर्क पर उपलब्ध कराएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद हानि और अपशिष्ट के जागरूकता का राष्ट्रीय दिवस 19 सितंबर को किस संगठन द्वारा मनाया गया है? यूनेस्को, UNDP, FAO, WHO। इसका उत्तर है FAO। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा 29 सितंबर 2020 को पहली बार खाद्य हानि और अपशिष्ट के जागरूकता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। यह दिन
लोगों को खाद्य पदार्थ की बर्बादी को बंद करने के लिए मनाया गया। सातवां क्वेश्चन, किस ई कॉमर्स दिग्गज ने तमिलनाडु में एक नया आपूर्ति केंद्र शुरू किया है? फ्लिपकार्ट, क्लाउडलेट, अलीबाबा, अमेजॉन। इसका उत्तर है अमेजॉन। अमेजॉन ने तमिलनाडु में अपना नया आपूर्ति केंद्र शुरू किया है। इसका उद्देश्य राज्य के फर्म में नेटवर्क को मजबूत करना है। आठवां क्वेश्चन, किस तकनीक कंपनी ने मेक स्मॉल स्ट्रांग नाम से एक अभियान शुरू किया है? माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन, फेसबुक। इसका उत्तर है गूगल। गूगल इंडिया ने हाल ही में मेक स्मॉल स्ट्रांग नाम से अपनी राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत की घोषणा की है। नौवां क्वेश्चन, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? पीडी वाघेला, सुमंत चौधरी, सुवल माथुर, अजय विजयवर्गीय। इसका उत्तर है पीडी वाघेला। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के अनुसार वरिष्ठ नौकरशाह पीडी वाघेला को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। दसवां क्वेश्चन, दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया जाता है? 30 सितंबर, 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर। इसका उत्तर है 30 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 30 सितंबर को दुनिया भर में प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। यह दिन बाइबल के अनुवादक सेंट जोरम की दावत के रूप में मनाया जाता है, जिसे अनुवादकों का संरक्षण संत माना जाता है। इस समारोह का नेतृत्व इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रांसलेटर्स ने किया है, क्योंकि इसकी स्थापना वर्ष 1953 में हुई थी। ये थे आज के 10 इम्पॉर्टेंट अक्टूबर मंथ से रिलेटेड करंट अफेयर्स। इसी तरह के और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।